वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। बैवंद इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड बनाना आपको सिखाऊंगा फॉर बिगनर। जो नए नए हैं, वो जो नया नया सीखना चाह रहे हैं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर फेसबुक ऐड बना देंगे तो क्या इंस्टाग्राम ऐड आपका उसमें चल जाएगा। तो ये बात सही है, अगर आप फेसबुक ऐड बनाते तो उसके अंदर एक लिंक होता है, वो लिंक आपको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद में आपका जो फेसबुक ऐड है साथ साथ में इंस्टाग्राम ऐड भी सेटअप हो जाता है। कोई सेपरेट इंस्टाग्राम ऐड्स नहीं बनता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। फेसबुक ऐड के साथ ही इंस्टाग्राम ऐड आपका पैरेलल चलता है। तो इस वीडियो में आपको बताने आ रहा हूँ कि फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड दोनों कैसे सेटअप करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय रखिए, और कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक्स है तो भी हमें बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम आप कैसे बना सकते हैं बिगिनर के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फेसबुक एक आपका पेज होना चाहिए और एक आईडी होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, एक फेसबुक अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है। एफबी अकाउंट मैं अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एफबी अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, ये मेरा एफबी अकाउंट है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस बना रखा हूँ, आपको पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जाऊँगा डायरेक्ट ऐड सेंटर में, ऐड सेंटर मैनेजर लिखा हुआ, ऐड मैनेजर पर जाऊँगा, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको आपका आईडी होना चाहिए। आईडी होने के बाद में आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक ऐड में जो भी आपका बिजनेस का नाम है, जैसे एक्स वाई जेड क्रिएटिव्स या ए टू जेड इंटरप्राइजेस करके जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम, मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वैवेंद इंडिया, तो वैवेंद इंडिया डिजिटल मार्केटिंग एक मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। तो इस तरीके कुछ तरीके से आपका होना चाहिए। और उसके बाद में आपको खोलना है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर के अंदर आना है आपको कैंपेन के अंदर, ठीक है। कैंपेन के अंदर जैसे दोस्तों आएंगे, कुछ इस तरीके से आपका सेटअप ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। आपको क्या करना, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना। क्रिएट कैंपेन मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि सर मैं यहाँ पे किसका कौन सा चूज करूँ, सेल्स, लीड्स, इंगेजमेंट या प्रमोशन या ट्रैफिक अवेयरनेस। दोस्तों अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है कम से कम पैसों में, 500 में या 400 में, मुझे 400, 500, 600, 700 लीड चाहिए या कॉल चाहिए, और पैसा मुझे कम लगाना है, मेरे पास ज़्यादा बजट है नहीं, कम पैसे में आपके पास ज़्यादा लीड आएगा, क्वालिटी लीड्स आएगा, तो सबसे ज़्यादा आपको इंगेजमेंट पे जाना है। इंगेजमेंट पे आपको क्लिक कर देनी, ठीक है। इंगेजमेंट में ऑलरेडी यहाँ पे दिख रखा है मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, तीनों का आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तीन ही एक के रिचार्ज में, वन रिचार्ज में आपको पूरे तीन एड्स आपके शो होंगे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। 500 का अगर आप डेली बजट रखते हैं या 200 का डेली बजट रखते हैं तो 200 रुपये में आपको तीनों ऐड आपका लिंक चलेगा, वीडियो व्यूज़ भी आएगा, पोस्ट इंगेजमेंट कन्वर्जन भी आपकी अच्छी खासी बनेगी। तो मैं इंगेजमेंट पे क्लिक करूँगा, जस्ट आपको कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देना है। इसके अंदर दोस्तों तीन सेट्स होते हैं, कैंपेन होता है, ऐड सेट होता है और ऐड होता है, ठीक है। तीन सेटअप करने पड़ते हैं, उसके बाद में आपका ये फेसबुक जो ऐड है वो प्रॉपर सेटअप हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट इंगेजमेंट कैंपेन पे है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर आपको यहाँ नाम भी दे देना। मैं नाम दे देता हूँ 2023 में बनाया था, ठीक है। कैटेगरीज में कुछ नहीं कर देना, नीचे आपको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे नहीं नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे ए और बी टेस्ट लिखा, यहाँ पे यस कर देना इसको, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, यहाँ पर इसको भी ऑन कर देना, ठीक है। नीचे आपको जस्ट स्क्रॉल कर देनी है, यहाँ पर आपको बजट सेट करना, डेली का आपका बजट क्या है। मैं चाहता हूँ डेली का जो मेरे स्पेंडिंग के तीन चलेगा मेरा, तो डेली का जो स्पेंडिंग है वो कम से कम अराउंड 1500 तो होना चाहिए, 500 का यार, 500 का फेसबुक हो जाएगा, 500 का इंस्टाग्राम हो जाएगा, 500 रुपया आपका ये हो जाएगा व्हाट्सअप। 1500 में मेरे पास कम से कम 2000 इंक्वायरी आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो मैं 1500 रुपया स्लॉट कर दूंगा, बजट डेली का मेरा 1500 है, ठीक है। और नीचे मैं यहाँ पर यहाँ कर दूंगा बिड स्ट्रेटजी, आपको हाई वॉल्यूम रखना है। हाई वॉल्यूम रखने से क्या होता है, आपका जो ऐड है परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, रिजल्ट बहुत अच्छी आती है और आपके पास कन्वर्जन भी अच्छा आता है, तो हाई वॉल्यूम कर देना। नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना, नेक्स्ट का बटन हमने प्रेस कर दिया, ठीक है, कट कर देना। अब ये कहना चाहता है कि आपको ये जो कन्वर्जन है कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको चाहिए। तो बहुत लोगों के पास तो ना तो वेबसाइट होती है, ना ऐप होता है, ठीक है, ना कोई वीडियोज़ होता है,
ना कोई ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म होता जिसके थ्रू वो अपना ऐड को रन कर सके। तो हमारे पास फेसबुक पेज है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। फेसबुक पेज के ज़रिए आपको अपना ऐड रन करना, ठीक है। तो मैं फेसबुक पेज पे क्लिक कर दूंगा, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। यहाँ पे आपको अपना वीडियो में दो तीन मेरा फेसबुक पेज है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा वैभंत इंडिया, वैभंत को सेलेक्ट कर लूँगा फेसबुक पेज, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। शो मोर ऑप्शन ऑप्शन में क्या आ रहा है, कुछ इंप्रेशन दिखा रहा है, ठीक है, और नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे करके, आराम आराम से करना, ठीक है। यहाँ पे अगर ए ऑडियंस आप क्रिएट करना चाहे तो ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या वीडियोज़ के लिए कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पे आप करके क्लिक कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा थिंग्स है, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा। यहाँ पे अपना एज और इंडिया टारगेट लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं मुझे ऑल ओवर इंडिया से नहीं चाहिए इंक्वायरी, तो आपको यहाँ पर लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। लोकेशन आ जा आ जा, जा अरे ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे करेंगे, लोकेशन पे मुझे चेंज करना, चेंज करना लोकेशन 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 लोकेशन, हाँ ये लोकेशन है, ये लोकेशन पे मैं क्लिक कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली से इंक्वायरी मुझे चाहिए, ठीक है, दिल्ली दिल्ली से इंक्वायरी आ जाएगा मेरे पास। और नीचे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नीचे और आएंगे, ठीक है, सेव और सेव दिस, ठीक है, सेव दिस ऑडियंस कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। मैन्युअली प्लेसमेंट में कि आपका ऐड किस किस पे दिखना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे फीड पे आ जाएगा, इंस्टाग्राम फीड पे है कि आपका फेसबुक फीड है, वीडियो फीड पे है या मार्केट प्लेस पे है, ना सब पे मैं टिक कर दूँगा, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे, कुछ नीचे देखते हैं और कुछ ऑप्शंस हो, ताकि हमारे और भी अच्छे ट्रिगर करें। कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, हमें आपको करना है नेक्स्ट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ऐड को डिजाइन करना है, ठीक है, हमारा ऐड कैसे शो करेगा। नीचे आ जाएंगे, यहाँ फोटोज़ हमें अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है, ऐड में यहाँ वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मेरे पास तो अभी बैनर है, तो मैं फ़ोटोज़ ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ऐड फोटोज़ में जाना पड़ेगा, ऐड टेक्स्ट क्रिएट ऐड मीडिया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बैनर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, बैनर 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 थोड़ा नीचे देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा बैनर मिल जाए। ये बैनर है, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने कर दिया फीड में, कुछ इस तरीके से मेरा ऐड स्पॉन्सर्ड दिखेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। बैनर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके चेंज मीडिया पे जाके यहाँ पे बैनर में कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो मेरा बैनर वही रहेगा, मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पर शो कर देगा, यहाँ पर इसके ऊपर बेस्ट बेस्ट प्लास्टिक, जिस हिसाब से बैनर हिसाब से मुझे कंटेंट डालना पड़ेगा, प्लास्टिक ट्वाइस क्रिएटर, ठीक है, क्रिएटर ये आ गया। नीचे कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे, सजेस्ट भी आता है, पहले सजेस्ट का ऑप्शन नहीं देता था, ठीक है। और नीचे जा जाएंगे, व्हाट्सअप यहाँ फॉलो लिख रखा है, इसको हम चेंज कर देंगे, और नीचे आएंगे थोड़ा क्रिएटर बटन्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेबन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंक्वायरी भी आ जाती है, ऐड टेक्स्ट बटन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, वहाँ पे ऊपर देखते हैं, ऊपर शायद है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बेस्ट ट्वाइस एट इन हियर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको अपना ऐड डिज़ाइन कर देना, ठीक है। नीचे और आ जाएंगे, नीचे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको कर देना पब्लिश। इससे और अच्छा भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको एक डेमो वीडियो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ऐड क्रिएट हो जाएगा, तीनों पे हमारा ऐड चलेगा, ठीक है, इसको मैं कट कर दूँगा। हमारा ऐड इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे और हमारा फेसबुक पे, तीनों पे हमारा ऐड चलेगा।
और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पास आएगा, कम कॉस्ट में आपके पास ज़्यादा इंक्वायरी आएगी। ऑलरेडी मैंने इतने सारे रीच के, देखो 269,055 लोगों के पास रीच हुई है, ठीक है, इंप्रेशन कितने आए, ऑलरेडी मेरा ऐड चल रहा है और अब अच्छी खासी इंक्वायरी जनरेट हो रही है इसमें। 2500 रुपये का हमारा यहाँ अमाउंट लग चुका है, 2500 रुपये का, ठीक है, दो दिन हमारा ऐड चला है, दो कैंपेन, दोनों कैंपेन मिला के 4000 कुछ रुपये एक्सपेंड हुए और रीच लोग कितने पास गया, 270,000 लगभग लोगों के पास गई हुई। तो दोस्तों इससे रिलेटेड को आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको एड्स कैंपेन क्रिएट करना या आपको अपने बिजनेस के लिए प्रमोशन कराना, तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट करें दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई ऐसा नया टॉपिक है जो आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाना है तो आप मुझे बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद जय भारत।